नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजन विधि और महत्व के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में एक एकादशी आती है, 12 महीने में कुल 23 एकादशियां आती है। एकादशी का खास महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी के दिन व्रत करने या पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनमें से एक एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, इसे पद्मा एकादशी और बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसके नाम के अनुसार इस एकादशी का महत्व परिवर्तन यानी कि बदलाव है। माना जाता है कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हुए नींद में करवट बदल लेते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हुए प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। माना जाता है कि इस एकादशी पर विधि अनुसार व्रत और पूजा करने के साथ भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है। परिवर्तनी एकादशी पूजन विधि। सुबह उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु के अवतार को ध्यान में रखें। घर में या मंदिर में भगवान विष्णु के बामन अवतार की मूर्ति को पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद, शक्कर से स्नान करवाएं। अंत में भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान करवाएं। भगवान विष्णु कुमकुम अक्षत से तिलक करें। बामन अवतार में भगवान विष्णु की नीचे दी गई कथा कहें। भगवान विष्णु की आरती पढ़ें और दीपक से आरती उतारें। प्रसाद बांटे और व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए तुलसी माला से जाप करें। शाम के समय भगवान विष्णु के लिए भजन कीर्तन करें। रात में व्रत खोलने के लिए खाना खाएं। ध्यान रखें कि व्रत के नियम अनुसार खाना एक ही समय में खाएं और नमक का कुछ भी खाने से बचें। नमक खाना अनिवार्य हो तो केवल व्रत का ही नमक खाएं। परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व। इस दिन राजा बलि ने भगवान से अपने साथ रहने का वर मांगा तो प्रभु बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदल लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन भगवान को कमल अर्पित करने से उनके भक्त और अधिक निकट आ जाता है। इस दिन व्रत और पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन करने का पुण्य प्राप्त होता है, अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।